स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने हिलिंग में इंडियन ओपन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 20 देशों के लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 3 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 7 व 12 महिला प्रतिभागी भाग ले रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र को स्वरोजगार उन्मुख बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का बीड़ बिलिंग दुनिया को बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइटों में से एक है और प्रदेश सरकार यहां हर संभव सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार पर्यटन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत बहुआयामी योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोपवे और हेलीटैक्सी सुविधा आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें आनंदपुर साहब से नैना देवी, धर्मशाला से मकलोडगंज, मकलोडगंज से त्रियुंड, पालमपुर से न्यूगल और मनाली में रोपवे निर्माण की संभावनाएं तराशी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली से रोहतांग के लिए हेलीटैक्सी सुविधा आरंभ की है और सरकार अन्य स्थानों मनाली, डलहौजी, चंडीगढ़ और शिमला इत्यादि को भी इसमें शामिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आयोजित पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के नाम पर धन का दुरुपयोग हुआ है और इन आयोजनों में नियति और नियत साफ नहीं होने की वजह रही है। उन्होंने कहा कि उस समय पैसा कहां लगा, ये जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि इस कप के आयोजन के लिए यथासंभव बजट उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे और धन के अभाव में प्रतियोगिता किस रूप से प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल के नाम पर धन का दुरुपयोग किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। इस विषय को लेकर के वैसे तो आज शुभारंभ है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु जब जब बजट आया है तो उस बजट का दुरुपयोग हुआ है, मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं। यानी नियति और नियत ठीक नहीं, नियति भी ठीक नहीं, नियत भी ठीक नहीं। पर्यटन के लिए आया भेजा गया पैसा कहां लगा, दुरुपयोग हुआ। और माननीय विधायक ने इस विषय को विधानसभा में भी उठाया है और आगे भी उठाएंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर हैं कि इस स्थान को हम कैसे और बढ़िया अच्छा बना सकते हैं। ये हमारी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सर, भूमि अधिग्रहण का मामला काफी सालों से लटका पड़ा है, जो भी यहाँ पे भूमि निजी मालिक है उनके जो लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही है, इस बारे में सर सरकार क्या कर रही है? मेरे ध्यान में है और प्रशासन, जिला प्रशासन के माध्यम से इस बात को हम टेकअप करेंगे और जो भी कमियां हैं उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ये सारा काम पूर्ण होगा। एडवेंचर हब है सर यहाँ पे, क्या पैराग्लाइडिंग के अलावा और किसी गेम को भी आप इसमें? मैंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जहां हमारी नजर तो है पर उस स्थान पर अभी तक पहुंच नहीं पाए और उस दिशा में कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, जैसे हेलीटैक्सी की बात है। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाली से रोहतांग पास के लिए हेलीटैक्सी शुरू की है और ऐसे हिमाचल प्रदेश में कुछ पर्यटक स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहां पर भी वो हेलीटैक्सी जो है वो शुरू होने वाली है और वो हेलीटैक्सी मनाली, डलहौजी, चंडीगढ़, शिमला से भी जुड़ने वाली है। ये सारी काम हम प्राथमिकता पर करने वाले हैं।